आई एम मणिराम तिवारी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय टॉपिक इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज रिलेटेड विद स्ट्रेट लाइन इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वी विल डील विद टू स्ट्रेट लाइन तो इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वी विल सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट इज द कंडीशन व्हेन द टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल पैरेलल एंड व्हाट इज द सम अदर कंडीशन देन they will intersect then what will be the condition and the point of intersection of the pair of straight lines will be origin then what will be the our condition some like this points and pair of straight line is a very interesting chapter and it is conceptual chapter then we will come on pair of straight line pair of straight line pair of straight line in pair of straight line here is two condition here is two lines one is l1 and another is l2 then these lines can be parallel if or can be intersect agar isme se agar koi bhi line ne jaise abhi ye parallel hai अगर इस लाइन ने थोड़ा सा भी स्लोप ले लिया तो ये लाइन ऐसे कहीं ना कहीं टच कट करेगी तो दूसरा कंडीशन है ये L1 L2 अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब इसमें कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी तो ये इस लाइन को मानते हैं AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू बी जीरो एंड अदर इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू बी जीरो अब हमें पता है कि ये तो सेपरेट इक्वेशन है ये एल वन की है ये एल टू की है तो पहले हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे कंबाइंड इक्वेशन बोथ द फॉर बोथ लाइंस तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए क्या होता है फोर कंबाइंड इक्वेशन फोर कंबाइंड इक्वेशन L1 L2 इक्वल टू बी जीरो तो यहां पर L1 क्या है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई और L2 है हमारी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन ये क्या है ये पूरी जो ये इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इनकी बोथ इक्वेशन मतलब कंबाइंड फॉर्म में तो अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे क्या होगा x में भी क्वाड्रेटिक आएगी y में भी क्वाड्रेटिक आएगी तो यहाँ पे x और y में दोनों में क्वाड्रेटिक आएगी तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है वो जनरल इक्वेशन होती है मतलब वो किसी भी कर्व सेकेंड डिग्री कर्व आ रहा हो उसमें दो वेरिएबल हो उनमें क्वाड्रेटिक बन रही हो तो उसके लिए होती है तो वो जनरल इक्वेशन क्या होती है जनरल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री ये होती है क्या ये स्टैंडर्ड है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy plus c equals to be 0 ये अब ये इक्वेशन दो ये इक्वेशन किसी कर्व को भी रिप्रेजेंट कर सकती है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है पर हमें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अबाउट तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी तो उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि ये जनरल डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी तो अब आते हैं हम कंडीशन पर तो कंडीशन में क्या है कंडीशन फोर कंबाइंड
स्ट्रेट लाइन लाइन। हाँ तो अगर हम वहां पे देख रहे थे तो एक्स में भी क्वाड्रेटिक थी और वाई में भी क्वाड्रेटिक थी। हमारी इक्वेशन एक्चुअली में यही तो थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी कस टू बी जीरो। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x में भी क्वाड्रेटिक है, y में भी क्वाड्रेटिक है। इसमें क्या करते हैं, एक को वेरिएबल लेते हैं और एक को कांस्टेंट लेते हैं। या तो हम y में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं या x में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। अगर x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे, अगर y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं, तो या तो x में ले सकते हैं या y। तो मैं x में ले रहा हूं, तो x में ले रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहां से x कॉमन लूंगा 2x, तो ये बनेगा एच वाई प्लस 2g, और ये बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। ये हमारी क्या है, ये कांस्टेंट है क्योंकि y कॉमन है, क्या है कांस्टेंट लिया। तो इसमें सिंपल है, कुछ है नहीं, ये 2gx है, 2x मैंने कॉमन लिया है, तो ये क्या है 2g। ओके ठीक है, अब इसमें क्या है, तो इसमें कुछ नहीं, वही धारा चाप लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा माइनस बी, माइनस बी में क्या आ जाएगा एच वाई प्लस जी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर एच वाई प्लस जी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हाँ, हाँ, यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर हम x में क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में एक लीडिंग कोफिशियंट होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है तो लीडिंग कोफिशियंट कभी भी कैंट बी जीरो, लीडिंग कोफिशियंट जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करेंगे, a जो ये हमारा लीडिंग कोफिशियंट का है a, a कांट बी जीरो, a नॉट इक्वल टू बी जीरो, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब इसमें ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये 2 है, तो ये 4 बाहर निकल के 2 आएगा, ये 2 है, कॉमन लेके ये कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो अब क्या है, अगर ये जो ये है ये हमें x की वैल्यू देगा। अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो रियल इक्वेशंस है। तो उसमें क्या है, अगर ये रियल इक्वेशंस है तो रियल इक्वेशंस के लिए d क्या है, जो ये है ना, ये हमारा क्या d है, d मतलब d बराबर क्या है, v स्क्वायर माइनस 4ac। ये अगर रियल इक्वेशन तभी देगा अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना है, तो ये d को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तो ये मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देन व्हाट इज द डी, डी दिस एच वाई प्लस जी स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस टू ए एफ वाई प्लस सी ए बराबर जीरो। अब यहां पे कुछ करना है नहीं, वैसे कैलकुलेशन ही है, आसान है एकदम। यहां पे क्या है, अब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये क्या आएगा, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस टू जी एच वाई, टू जी एच वाई राइट। यहां पे माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस टू ए एफ वाई माइनस टू ए एफ वाई ओके माइनस ए सी बराबर जीरो। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, बाई में क्वाड्रेटिक आ रही है, ये यहाँ पे क्या है, बाई में क्वाड्रेटिक आ रही है, तो कोई नहीं, फॉलो करेंगे सेम। तो इसमें क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए जी, ये क्या है बाई स्क्वायर है, प्लस यहाँ से मैं अगर बाई कॉमन लूंगा, टू बाई कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा, जी जी एच माइनस ए एफ, और यहाँ पे क्या है जी स्क्वायर माइनस ए जी, सिंपल। अब इसमें क्या डी बराबर जीरो करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए
डी बराबर जीरो, तो ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर यानी कि फोर वाई का स्क्वायर इंटू जी एच माइनस ए एफ का स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर भी जीरो। ये फोर से फोर कैंसिल आउट, ओके, एंड दिस वाई विल नॉट कम हियर, ओनली फोर विल कम, हाँ फोर, तो ये फोर से फोर चला गया, अब बच गया ये, तो इसे सॉल्व करते हैं जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस टू ए एफ जी एच माइनस, अब ये क्या है एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर ए सी प्लस ए वी जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी बराबर भी जीरो, कैंसल आउट दोनों, ए कॉमन ले लूंगा मैं, ए कॉमन लूंगा तो यहां से क्या आएगा माइनस ए कॉमन ले रहा हूं तो यहां से आएगा टू एफ जी एच, हाँ टू एफ जी एच, और ये क्या आ जाएगा प्लस ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस डी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर भी जीरो। तो ये क्या है, ये है हमारी कंडीशन, ये कंडीशन किस लिए है, कंडीशन कंडीशन फॉर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्टेट लाइन, ए पेयर ऑफ स्टेट लाइन, पेयर ऑफ स्टेट लाइन, ये हमारी क्या कंडीशन है। अब इसमें क्या है, तुम्हें थोड़ी ये ऑड लग रही होगी पर इसे एक याद करने का भी तरीका है, तो इसमें क्या है जो ये एबीसी है ना इसे आगे लिख ले एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू बी जीरो। तो देखो ये ए के साथ एफ आ जाएगा, बी के साथ जी आ जाएगा, सी के साथ एच आ जाएगा, एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू बी जीरो, दिस इज द कंडीशन जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। अदरवाइज अगर कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर इस पैटर्न मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो हो सकता है किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हो और किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हो, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो वो ये कंडीशन उसमें एप्लीकेबल होगी। क्यों भाई, थैंक यू।